पॉर्नहब, एक्स वीडियोस, पॉनट्यूब, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका नाम हम सभ्य समाज में लेने से हिचकिचाते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वेबसाइट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वेबसाइट्स हैं। पॉर्न सही है या गलत, ये बहस लंबी है। भारत जैसे देशों में गैर कानूनी होने के बावजूद धड़ल्ले से देखा जाता है, वहीं अमेरिका जैसे पश्चिम के देशों ने इसके लिए कानून बना रखा है। पॉर्न साइट्स पर कई बार बैन लगा है, कई बार कानूनी कार्रवाई हुई है, लेकिन अब ये वेबसाइट खुद सरकार पर केस करने जा रही हैं। क्या है मामला? यूरोपीय देशों के एक संगठन का नाम है यूरोपियन यूनियन, जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है और ये कानून सभी मेंबर देशों पर लागू होते हैं। ऐसा एक कानून है, ईयू डिजिटल सर्विस एक्ट। इस कानून के चलते ईयू के सदस्य देशों में कई पॉर्न वेबसाइट्स पर रोक लग सकती है, लिहाजा अब ये वेबसाइट ईयू पर केस करने जा रही हैं। बड़ा सवाल है, क्या नए एक्ट से ईयू देशों में पॉर्न बैन हो जाएगा? आज के शो में हम जानेंगे ईयू का डिजिटल सर्विस एक्ट क्या है, ईयू को पॉर्न वेबसाइट से क्या आपत्तियां हैं और इन कंपनियों का अपने बचाव में क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी, जहां आज चर्चा एडल्ट वेबसाइट्स पर कसते शिकंजे की। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं और बताते हैं कि ईयू क्या है। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू 27 देशों का एक समूह है जो एक आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में काम करता है। इसके 19 सदस्य देश अपने आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 8 सदस्य देश जिसमें बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन यूरो का उपयोग नहीं करते। ईयू की अपनी पार्लियामेंट है फ्रांस में। यहाँ सभी सदस्य देश राजनीति, व्यापार, सुरक्षा और दूसरे मुद्दों से जुड़े फैसले लेते हैं। इसी ईयू ने डिजिटल सर्विस एक्ट DSA बनाया है, जिसकी वजह से पॉर्नहब और एक्स वीडियोज जैसी वेबसाइट परेशान है। क्या है डिजिटल सर्विस एक्ट? दिसंबर 2020 में ईयू ने डिजिटल दुनिया में बढ़ती अवैध गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाने का फैसला किया। 15 दिसंबर 2020 को इसका ड्राफ्ट ईयू की संसद में पेश किया गया। उसके बाद कई मरहलों में इसकी जांच पड़ताल हुई, सदस्यों की तरफ से इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए। अक्टूबर 2022 में इस पर फाइनल मुहर लगी। 19 अक्टूबर 2022 को ये एक्ट ईयू के जर्नल में प्रकाशित हो गया। ईयू का डिजिटल सर्विस एक्ट 3 बिंदुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। पहला, इंटरनेट पर चल रहे अवैध कंटेंट पर रोक। अवैध कंटेंट की श्रेणी में ऐसी सामग्री को लिया जाता है जो सेक्सुअल वायलेंस को बढ़ावा देती हैं। इसमें पॉर्न वेबसाइट को घेरे में लिया गया है, जहां चाइल्ड पॉर्न जैसे कंटेंट बिना किसी रोक टोक के परोसे जा रहे हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी वेबसाइट जहां ऑनलाइन फ्रॉड और ठगी को बढ़ावा मिले, उस पर रोक लगाई जाएगी। दूसरा बिंदु है डिजिटल कंपनियों का विज्ञापन पारदर्शी होना। एक्ट कहता है जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें अपने विज्ञापन के बारे में सारी जानकारियां पारदर्शी रखनी चाहिए। एक्ट ये भी कहता है कि अगर कोई कंपनी किसी व्यक्ति की धर्म, जाति, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या उसके राजनीतिक विचारों को टारगेट करके विज्ञापन दिखाती हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। तीसरा बिंदु है इंटरनेट पर गलत जानकारियों पर रोक लगाना। एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी अपने प्लेटफॉर्म से फर्जी खबरों पर पाबंदी लगाने के प्रयास नहीं करती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। ईयू के बड़े नेता कई बार फर्जी खबरों को डेमोक्रेसी के लिए खतरा बता चुके हैं। ये तो थी एक्ट से जुड़ी तकनीकियां। 25 अगस्त 2023 को यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन ने इसी एक्ट से जुड़ा एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट से एक्ट का मर्म समझ आता है। वो लिखती हैं, हम अपने यूरोपियन मूल्यों को डिजिटल दुनिया में ला रहे हैं। डिजिटल सर्विस एक्ट से पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी। ये हमारे बच्चों, समाज और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है। कौन कौन इसके प्रभाव में आएगा? यूरोपियन देशों में काम करने वाली सभी ऑनलाइन कंपनियों को इसका पालन करना होगा, लेकिन इस एक्ट के तहत ऐसी कंपनियां जिनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है उनके लिए अलग प्रावधान रखे गए हैं। एक्ट के तहत ऐसी कंपनियों को वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसी कंपनियों पर ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी और ये कैसे तय होगा कि किस कंपनी की पहुंच बहुत ज़्यादा है और उसे वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की श्रेणी में रखा जाए। एक्ट कहता है कि जिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के मंथली यूज़र 4.5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें श्रेणी में रखा जाएगा और इसी के कारण पॉर्नहब वाला बवाल मचा हुआ है। उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, पहले जानते हैं कुछ बड़ी कंपनियों के नाम जो इस एक्ट के दायरे में आई हैं और ये भी जानते हैं कि वो इस एक्ट की शर्तों को पूरा करने के लिए क्या कर रही हैं। गूगल का कहना है कि वो इस एक्ट की कुछ नीतियों का पहले से ही पालन कर रहा है, जैसे वो यूट्यूब क्रिएटर्स को अपनी वीडियो हटाने और प्रतिबंधों के खिलाफ अपील करने का अधिकार देता है, ताकि अगर सिस्टम से कोई गलती हो भी जाए तो उसे बाद में ठीक किया जा सके। गूगल ने ये भी कहा कि वो अपने विज्ञापन कार्यक्रम को और पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रहा है।
मेटा ने भी कहा है कि वो अपना विज्ञापन कार्यक्रम और पारदर्शी बनाने पर काम कर रहा है। उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है इस पर भी मेटा ने जून में एक लंबी रिपोर्ट पेश की थी। टिकटॉक ने भी मेटा की तरह ही एल्गोरिदम ठीक करने पर जोर दिया है। स्नैपचैट ईयू में अपने यूजर्स को पर्सनलाइज्ड फीड और डिस्कवर फीड से बाहर निकलने का भी ऑप्शन देगा। इसके अलावा इस एक्ट के तहत स्नैपचैट अब 13 से 17 साल के यूजर्स को पर्सनलाइज्ड एड्स नहीं दिखाएगा। ये रही बड़ी कंपनियों की बात। अगर कोई कंपनी इस एक्ट का पालन नहीं करती है तो क्या होगा? पहला तो उन्हें सभी नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अपनी साल भर की कमाई का 6% जुर्माने के रूप में ईयू को देना होगा। अगर लगातार इन नियमों को तोड़ा गया तो ईयू के देशों से इन कंपनियों की अस्थायी रूप से छुट्टी भी हो सकती है। और आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 अडल्ट कंपनियों ने ईयू के इस एक्ट पर आपत्ति जताई। ये 3 कंपनियां हैं पॉर्नहब, एक्स वीडियोज और स्ट्रिपचैट। इन पर एज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की बात कही जा रही है। पॉर्नहब का क्या कहना है? पॉर्नहब का कहना है कि हम पर जो नियम लगाए जा रहे हैं वो वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली श्रेणी में आते हैं, लेकिन हम श्रेणी में आते ही नहीं। जैसा हमने पहले बताया, श्रेणी में आने के लिए प्लेटफॉर्म पर 4.5 करोड़ मंथली यूजर्स की जरूरत होती है। पॉर्नहब का कहना है कि ईयू ने इस गिनती में गलती कर दी है। हमारे मंथली यूजर्स 32 लाख हैं, हम पर ये नियम लागू नहीं होते। इसलिए पॉर्नहब ने ईयू के खिलाफ केस किया है। पॉर्नहब के साथ एक्स वीडियोज और स्ट्रिपचैट वेबसाइट ने भी इसी तरह की समस्या की वजह से ईयू पर केस किया है। ईयू ने इन प्लेटफॉर्म्स को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। इन साइट्स को बताना होगा कि वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा और नाबालिगों की सुरक्षा जैसे जोखिमों को सीमित करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से जुड़ी है। 7 मार्च को पीएम मोदी श्रीनगर पहुंचे। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये उनका पहला कश्मीर दौरा था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, मैं आप लोगों का दिल जीतने के लिए काम कर रहा हूं और मुझे भरोसा है कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। सुनिए उन्हें। मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। इस दौरे की पूरी कहानी 7 मार्च के ललन टॉप शो में हम विस्तार से बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि इस दौरे की चर्चा भारत तक सीमित नहीं रही, विदेशी मीडिया ने भी प्रमुखता से इसे जगह दी। क्या लिखा, एक एक कर जान लेते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने पाकिस्तान सरकार के बयान को सुर्खी बनाया। पीएम मोदी के भाषण के बाद पाक विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें कहा था कि भारत विवादित क्षेत्र में शांति का दिखावा कर रहा है। कतर से चलने वाले अल जजीरा ने सुर्खी लगाई, मोदी मेक्स रेयर प्री इलेक्शन कश्मीर ट्रिप बट स्ट्रगल्स टू विन हार्ट्स। यानी मोदी ने चुनाव से पहले कश्मीर का दौरा किया लेकिन दिल जीतने में नाकाम रहे। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की सुर्खी है, नरेंद्र मोदी विजिट्स कश्मीर फॉर फर्स्ट टाइम सिंस स्टेट्स ऑटोनॉमी स्ट्रिप्ड। यानी स्वायत्तता छिनने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे नरेंद्र मोदी। गार्डियन ने लिखा, आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को मोदी सरकार ने सुरक्षा और बराबरी के आधार पर जायज ठहराया था। हालांकि बहुत सारे कश्मीरियों ने इसका समर्थन नहीं किया, उनके लिए ये हिंदू राष्ट्रवादी सरकार द्वारा उनके अधिकारों और आज़ादी का उल्लंघन था। मोदी का श्रीनगर दौरा आने वाले चुनाव से पहले के कैंपेन की तरह देखा जा रहा है। उनकी पार्टी बीजेपी कभी श्रीनगर की सीट नहीं जीत पाई है, वो इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा एबीसी न्यूज, अमेरिकी न्यूज एजेंसी एपी, रॉयटर्स समेत कई और मीडिया संस्थानों ने इस दौरे को विस्तार से कवर किया है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से, जो बाइडेन के पहले प्रेसिडेंशियल टर्म का अंतिम स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस चर्चा में है। ये बाइडेन के कार्यकाल का 3रा संबोधन था। हालांकि अभी उनके कार्यकाल का 4था साल चल रहा है लेकिन 2021 के संबोधन को स्टेट ऑफ द यूनियन में नहीं गिना गया। दरअसल इसके लिए किसी राष्ट्रपति को कम से कम 1 बरस का कार्यकाल पूरा करना होता है। क्यों खास है स्टेट ऑफ यूनियन? अमेरिका में राष्ट्रपति स्टेट के साथ साथ सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उसे उम्मीद की जाती है कि वे समय समय पर संसद के सामने अपने काम का लेखा जोखा देंगे। पहला स्टेट ऑफ द यूनियन 1790 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने दिया था। तब से परंपरा चली आ रही है, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस संसद के संयुक्त सत्र में दिया जाता है। इसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के दूसरे अहम सदस्य भी मौजूद होते हैं। एक परंपरा ये भी है कि कैबिनेट का कोई एक सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेता ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में वो राष्ट्रपति का पद संभाल सके। बाइडेन के संबोधन पर बहस क्यों हुई? जैसा कि आपको पता है, नवंबर 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। जो बाइडेन ने मौके का इस्तेमाल अपनी सरकार का गुणगान करने और विपक्ष पर निशाना साधने के लिए किया। उन्होंने कहीं ट्रंप का नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया।
वो और क्या क्या बोले पुतिन पर? My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. We will not bow down. I will not bow down. Gaza ki jung par? Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelters. No U.S. boots will be on the ground. A temporary pier will enable a massive increase in the amount of humanitarian assistance getting into Gaza every day. चीन पर। I've heard many of my Republican and Democratic friends say that China is on the rise and America is falling behind. They've got it backwards. I've been saying it for over 4 years, even when I wasn't president. America's rising. We have the best economy in the world. And since I've come to office, our GDP is up, our trade deficit with China is down to the lowest point in over a decade. And we're standing up against China's unfair economic practices. We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I've revitalized our partnership and alliance in the Pacific, India, Australia, Japan, South Korea, Pacific Islands. I've made sure that the most advanced American technologies can't be used in China, not allowing to trade them there. अमेरिकी चुनाव से जुड़ी और भी रेगुलर अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर लगातार मिलती रहेंगी। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी नेटो से है। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका, कनाडा और यूरोप के 31 देशों का सैन्य संगठन है। 7 मार्च को स्वीडन इसका 32वां सदस्य बन गया। स्वीडन ने मई 2022 में सदस्यता के लिए अप्लाई किया था। स्वीडन तकरीबन 200 बरस तक न्यूट्रल रहा था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उसने अपनी पॉलिसी बदली फिनलैंड के साथ। फिनलैंड को 2023 में सदस्यता मिल गई, मगर स्वीडन के नाम पर तुर्की और हंगरी ने कांटा फंसा दिया। आखिरकार कुछ शर्तों के साथ जनवरी 2024 में तुर्की और फरवरी 2024 में हंगरी ने स्वीडन के नाम पर सहमति दे दी। उसके पीछे की कहानी हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभरात्रि।